बच्चों शुभ प्रभात। आज हम देखेंगे भाग चौथा में वर्णमाला। हमने स्वर से शुरुआत की थी, उसमें पहला अक्षर हम सीख रहे हैं अ। क्या बच्चों? बच्चों अ से हमने तीन शब्दों का अभ्यास किया था, जैसे आन, अ से अनार, अनार मीन्स प्रोमोग्रेनेट, अ से अदरक, अदरक मीन्स जिंजर, अ से अमृत, अमृत मीन्स गा। फिर से एक बार हम देखते हैं कौन से शब्द है और उसकी शुरुआत कैसे होती है। अच्छे से सुनो, प्रोनाउंसिएशन में क्या कह रही हूँ, उच्चारण क्या कर रही हूँ। बच्चों आ नहीं बोलना है, अ से अनार, अ से अनार, अ से अदरक, अ से अदरक, अ से अमरुद, अ से अमरुद। फिर से एक बार हम देखते हैं वो तीन शब्द कौन से हैं और तीन शब्दों का हमने क्या अभ्यास। जैसे बच्चों अ, अ से क्या है बच्चों, अ से अन्ना, अ से अन्ना। बच्चों उस शब्द पे रेखांकित करिए जो शब्द हम पढ़ रहे हैं। अ से अन्ना, अ से अन्ना, अ से अदरक, 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 अ से अमरुद, अ से अमरुद, अ से अमरुद। तीसरा शब्द क्या सीखा था हमने, अ से अमरुद। जैसे बच्चों फिर से एक बार दोहराए, अ स्वर में हमने वोवल्स की शुरुआत की, जैसे अल्फाबेट से ए टू जेड होते हैं। बच्चों फिर से एक बार दोहरा रही हूँ, हम इंग्लिश में ए टू जेड के भी आए तो हम फर्स्ट क्लास में आए तो भी हम क्यों पढ़ पा रहे हैं, स्पेलिंग वो चित्र क्यों आइडेंटिफाई कर पा रहे, क्योंकि बच्चों हम नर्सरी से पढ़ते आ रहे हैं ए टू जेड। ऐसा ना बच्चों इन इंग्लिश आए यू टीच यू लर्न ए टू जेड, ऐसा ना वेरी वेल। सो हम हिंदी भाषा सीखने के लिए हमने शुरुआत की वर्णमाला से, और वर्णमाला में क्या है बच्चों, दो जैसे स्वर और व्यंजन, वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स होते वैसे, और स्वर में हमने क्या वोवल्स की शुरुआत की और वो कौन से अ से आहार, कौन से बच्चों अ से आहार, और वो कितने 13 और उसकी उसमें स्वर में हमने पहले अक्षर की शुरुआत की। और जैसे बच्चों फिर से एक बार अ से कितने शब्द हमने सीखे आज, तीन शब्द, कितने बच्चों तीन शब्द, और फिर से एक बार दोहराते हैं बच्चों। जैसे अ, अ से अना, अ से अना, अ से अदरक, अ से अदरक, अ से अमरुद, अ से अमरुद। जैसे बच्चों हमने अ अक्षर की शुरुआत की शब्द बना दिए, उसके शब्द के नीचे दो लाइन अंडरलाइन करो और ओ ऐसे लिखते हैं। फिर से एक बार देखते हैं बच्चों, आपके किताब में ऐसे दो लाइन है, आधा गोल बनाएंगे, फिर से आधा गोल, उसमें पड़ी रेखा और खड़ी रेखा बनाइए, बन गया अ। इजी है बच्चों, फिर से एक बार बनाते हैं और एक अक्षर होने के बाद दो फिंगर्स, टू फिंगर्स याद रहना चाहिए बच्चों। देखो आधा गो, जैसे किताब में हमारे नोटबुक में ऐसे दो लाइन है ना बच्चों, आधा गो, फिर से आधा गो, खड़ी पड़ी रेखा और खड़ी रेखा, स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन जॉइंट, ऐसे ही लिखना है बच्चों अच्छे से। जैसे एक बार तीन शब्दों का अभ्यास अच्छे से करो आपके नोटबुक में, अ मीन्स अनार, अ से अदरक, अ से अमरूद, अनार मीन्स प्रोमोग्रेनेट, अदरक मीन्स जिंजर, अमरुद मीन्स का। ओके बच्चों फिर से एक बार दोहरा, हम दूसरे क्लास में आगे देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।